आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला के बारे में बातचीत करेंगे कि इफ फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। देखिए, इफ फॉर्मूला का काम सिंपल है कि अगर आपके पास दो रिजल्ट है और एक कंडीशन है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा ना हो तो ऐसा ना होना चाहिए। बस सिंपल सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिस्ट ऑफ नेम दिया हुआ है और मुझे देखना है कि, बोलिए, रिकॉर्ड दे दिए। तो मैं चाहता हूं कि पहले वाले के सामने आ जाए यू, और जैसे रिपीट हुआ है उसके सामने आ जाए डी, इस तरह से डी डुप्लीकेट, समझे। तो मैंने इस काम के लिए अपने डेटा को शॉर्ट कर लिया, कि शॉर्ट करना जरूरी है क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा ढूंढना कि कौन सा रिपीट है, कौन फर्स्ट है कितना और लास्ट कौन सा है। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा इफ का फॉर्मूला लगाया कि इफ सामने वाली वैल्यू इक्वल टू है अपने ऊपर वाली वैल्यू से, मतलब ए टू बराबर है ए वन से, अगर ऐसा होता है तो क्या करे, यहाँ पे डी दे दे, अदरवाइज यू दे दे। क्या दे दे, डी और यू। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ U आ गया, और जैसे चेक किया अजीत और अजीत दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, दिया। समझ गए? Yes. क्लियर है? अब मान लीजिए मैं यहाँ पे सीक्वेंस देना चाहता हूँ कि वन टू थ्री इस तरह से, फिर वापस वन टू थ्री इस तरह से, तो इसके लिए भी हम इफ का यूज करेंगे। देखिए, हमने यहां पे लिखा कि इफ सामने वाली वैल्यू बराबर है अपने ऊपर वाली वैल्यू से, तो ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन हो जाए, अदरवाइज वन से स्टार्ट हो जाए। अब यहां पे अजीत और नेम जो है आपस में बराबर तो है नहीं, तो यहां वन आ जाएगा, लेकिन जैसे इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अजीत और अजीत दोनों बराबर है, इसलिए इसने वन में प्लस वन करके टू कर दिया, यहाँ में प्लस वन करके थ्री कर दिया, यहाँ प्लस वन करके फिर तो वापस वन आ गया। क्लियर है? अब सीरियल नंबर का यूज अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि सीरियल नंबर है, नेम है, एड्रेस है और चीजें भी हो सकती है। तो मैंने वन टाइप किया और यहाँ पे टाइप किया पूजा और एड्रेस में दे दिया मान लीजिए दिल्ली। अब मैं जैसे यहाँ पे मोहन लिखूं तो मैं यहाँ नंबर टू ना डालूं, ये नंबर टू ऑटोमेटिकली आ जाए। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ का, इफ सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है। यहां ग्रेटर देन जीरो क्यों किया, क्योंकि ब्लैंक सेल को जीरो माना जाता है। ब्लैंक सेल को क्या माना जाता है, जीरो। अगर जीरो से बड़ा है इसका मतलब है कि यहां कुछ कुछ इसमें है वैल्यू, ठीक है। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो अपनी ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर ले, अदरवाइज ब्लैंक कर दे। ब्लैंक के लिए हमने जस्ट इन्वर्टेड कॉमा के ओपन एंड क्लोज कर दिया। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग, अब यहाँ पे मैं उदय डालता हूँ, यहाँ पे मैं कविता डालता हूँ, मैं यहाँ पे इंदर डालता हूँ, मैं यहाँ पे मोहन डालता हूँ। नंबर अपने आप जनरेट हो रहा है, बट यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी कि मैं यहाँ पे टीना डाल के एंटर मारा तो ये एरर आ गया। अब एरर क्यों आया, एरर आने के पीछे रीजन है क्योंकि ऊपर जो है ना ब्लैंक है, और ब्लैंक जो टेक्स्ट की कैटेगरी में आता है, मतलब कि अगर आप इन्वर्टर को ओपन क्लोज कर देते हैं उसको समझ जाता है ब्लैंक, लेकिन एबीसीडी, और जाहिर सी बात है ना किसी भी एबीसीडी के ऊपर आप कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते, भले ही वो एबीसीडी ब्लैंक हो लेकिन आप कोई टाइपिंग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम आया। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन ये कि जो आपने जी वन प्लस टू किया है ना, तो जी टू के जगह पे एक छोटा सा मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, मैक्स का।
मैक्स के फॉर्मूले में हम ऊपर ए जी टू से जी टू कर देंगे और पहले वाले जी टू को कर देंगे फ्रीज और फिर इसको एंटर करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए तो आपका वो ब्लैंक को कंसीडर नहीं करेगा और जो वैल्यू है उसी को पेस्ट करेगा, राइट? ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। सर अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब इसमें जो आगे का टॉपिक उस पर चलते हैं। अब जैसे दे दिए, जैसे यहाँ पे हम सेल्स पे आते हैं और यहाँ हम कुछ नंबर्स देते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे इंसेंटिव देना है, अगर नंबर ग्रेटर देन 50 है तो रिजल्ट यहाँ पे 500 आ जाए, अदरवाइज जीरो आ जाए। तो यहाँ क्या करेंगे हम, जनरली इफ लगाएंगे ना, इक्वल इफ इसको सिलेक्ट किया इज ग्रेटर देन 50 देन 500 अदरवाइज जीरो, इफ से हो जाएगा काम। लेकिन अगर कंडीशन बिटवीन हुआ कि 50 टू 80 इट मींस ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80, वहां पे इफ काम नहीं करेगा क्योंकि इफ वन इफ इट मींस वन कंडीशंस। तो यहां पे हम करेंगे एंड फॉर्म, एंड इसको सेलेक्ट करते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल टू 550 और यहां लेस देन इक्वल टू 80। एंटर प्रेस कीजिए तो रिजल्ट जो आएगा ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। किस में आएगा? ट्रू एंड फॉल्स में। फॉल्स मतलब कि नहीं फुलफिल हुआ, ट्रू आपका फुलफिल हो गया। अब इस ट्रू एंड फॉल्स को अपने रिजल्ट से 500 है, यहाँ पे 1000 है, जीरो है, इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं क्या, एंड का। लेकिन एंड कब यूज करते हैं? जब हमारे पास रिक्वायर कंडीशन है, जैसे यहां पे आप देख पा रहे हैं कि एंड जो हमने लगाया तो दोनों कंडीशंस यहाँ फुलफिल है, होने चाहिए कि 50 से ज्यादा 80 से कम, दोनों के दोनों होने चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे डेज है, संडे मंडे इस तरह का, अब मुझे यहाँ पे ऑफिस का स्टेटस डालना है कि ऑफिस क्लोज है या ओपन है, तो सैटरडे संडे अगर हो तो यहाँ सैटरडे संडे हो तो यहाँ पे वीक ऑफ शो होना चाहिए। मंडे टू फ्राइडे जो बचता है, मंडे टू फ्राइडे जो बचता है वहां पे शो होना चाहिए ओपन, ओके? अब यहां पे हम एंड नहीं लगा सकते क्योंकि एक सेल में सैटरडे एंड संडे दोनों पॉसिबल नहीं है। एक सेल में सैटरडे एंड संडे दोनों पॉसिबल नहीं है। सो यहां हम और लगाएंगे, कंडीशंस रिक्वायर नहीं हो तो और लगाएंगे। यहां पे सैटरडे फिर कॉमा इक्वल टू संडे। अब और क्या करेगा, इन दोनों में से कोई एक अगर परफॉर्म करता है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। और यहां पे इफ कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ट्रू आया तो यहां पे आ जाए वीक ऑफ,
अदरवाइज ओपन, समझ गए? तो एंड और दोनों समझ में आया आप लोगों को? हम्म,